प्रणा नर्वस हैं, एक्साइटमेंट हैं, खुशी है, मतलब बहुत सारी मिक्स फीलिंग होगी इस चीज़ के लिए। खुशी है, नर्वसनेस हाँ होती है, बट यार टीवी इतना था, टीवी करने के बाद आप जाहिर सी बात है यू आर कंफर्टेबल, एक कंफर्ट जोन है टेलीविजन आपका, लेकिन जब आप एक नए प्लेटफॉर्म पे जाते हैं सो आई थिंक इट इज़ लॉजिकल टू बी नर्वस एंड इट इज़ गुड टू बी नर्वस बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा लेट डूबता है आदमी को, तो आई थिंक थोड़ा सा नर्वस होना ज़रूरी है। ये भी है कि ऐसा किरदार मैंने कभी निभाया नहीं है, एंड रक्तांचल जो फर्स्ट सीजन था उसे आई थिंक इट्स क्रॉस अबाउट 100 मिलियन व्यूज़ विच इज़ अ बिग डील, सो एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब सीज़न टू में आप एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हो जो कि प्रोटैगनिस्ट है उस सीज़न का, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है ना। और यहाँ तो अब ऐसा है कि ना तो रमन भल्ला काम आएगा है ना, ना इशिमा काम आएगी, तो ये नया सफ़र है, नई जर्नी है, नई आइडेंटिटी है। एक वो एंग्री यंग मैन वाला जो होता है ना कि हर एक्टर का एक सपना था कि एक रोल ऐसा करना है एंग्री यंग मैन, तो आई थिंक उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है, तो आई थिंक इट्स गुड, इट्स नाइस, इट्स अ चेंज फॉर मी आल्सो एंड द ऑडियंस आल्सो। वैसे करण के इस लुक में हमें सलमान खान का दबंग अंदाज भी नजर आया, कभी वो चुलबुल पांडे की तरह मूंछों पर ताव देते तो कभी अपने चश्मे के साथ वही ट्रिक्स करते जो चुलबुल पांडे किया करते हैं। पर जिस तरह से हमने आपका किरदार देखा, ये चश्मा वगैरह अभी हमने कुछ शूट भी किया हुआ, बिल्कुल हमें थोड़ा सा बड़ा दबंग लग रहा है, मतलब ये जो एसीपी है बड़ा दबंगी है। बस तो दबंग वाले जो ओरिजिनल दबंग है उनके करियर का अगर 50% ग्राफ भी हम चढ़ जाए ना तो भैया मजा आ जाए, बट या आई थिंक दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू, सो दैट मींस आई एम डूइंग समथिंग राइट, कुछ तो सही चल रहा है। सो ऑब्वियसली आई मीन जब आप ऐसा कोई किरदार निभाते हो तो आपके दिमाग में या तो सिंघम या तो दबंग ही आ सकता है, अगर एक फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर है तो वो दबंग होगा, अगर एक सीरियस पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट कैरेक्टर है तो सिंघम होगा, तो आई थिंक ये दो ही हैं पुलिस वाले जो आज के जिनका टंका चल रहा है। मूंछ रखना थोड़ा सा मैंने पहली बार जिंदगी में रखी, बट आई थिंक पीपल आर सेइंग इज लुकिंग गुड, तो मैं ठीक है, बट मूंछ मैं सिर्फ शूट तक रखूंगा, इतना इतनी भी पक्का मैं, यार अजीब सा लगता है ना, ऐसा लगता है यार शिट कुछ तो अधूरा रह गया यार, तो कुछ भूल गया मैं मुँह पे अपने, सो आई थिंक यार इधर आई ग्रो फुल स्टबल और आई डोंट कीप माय मस्टैश एट ऑल और बियर्ड एट ऑल, तो ये मूंछ पहली बार रखी है, तो आप बताइए आप लोगों को कैसी लगी। यू आई सॉ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स जब प्रेस से बात करते हैं, जब प्रेस को एड्रेस करते हैं, या आमतौर पे जब भी कैमरे के सामने होते हैं तो उनकी एक पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज होती है ना, एक बोलने का एक पर्टिकुलर एक पेस होता है, एक ठहराव होता है बात करने का, सो वो छोटे छोटे नुआंसेज नोटिस किए हैं, बट नथिंग इन पर्टिकुलर। आई थिंक जब आप एक फिक्टिशियस कैरेक्टर निभाने आते हैं तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक न्यूएंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल्स और फ्रॉम रेफरेंसेस, बट यू ब्रिंग मोर ऑफ योरसेल्फ टू द कैरेक्टर एंड टू द टेबल। दूर दूर से लोग करण और डायरेक्टर साहब को करण को इंस्ट्रक्ट करते हुए देखते और ये सोचते कि अरे ये तो रमन भल्ला है लेकिन आज तो बहुत अलग लग रहा है। सुबह 7 बजे तो सेट पे आते हैं एंड बाय द टाइम हम खत्म करते हैं शाम को 6:30 बजे वी प्रीटी टायर्ड बिकॉज यूपी की गर्मी है एंड अब तो होली पास आ रही है, जैसे जैसे होली पास आ रही है गर्मी बढ़ते जा रही है, सो हालांकि ताकत बचती नहीं कुछ करने की, बट हम शूटिंग इतनी खूबसूरत जगहों पे कर रहे हैं ना कि हमें वी आर एक्सप्लोरिंग वाराणसी व्हाइल वी आर वर्किंग।